कबुकी वॉरियर्स ने छोड़ा पेज का साथ, सेथ रॉलिंस ने हराया लूक हार्पर को, वेट फ्रॉग क्लिफ्टर ने हराया लूक हार्पर को, और लाना ने दे दिया रुसेफ को डिवोर्स। ये सब लेके मैं आ चुका इस वाले एपिसोड में रॉ के 28 अक्टूबर। इन अबाउट 4 मिनट्स तो पूरी वीडियो देखना और स्टार्ट कर। तो इसे एपिसोड की स्टार्ट होती है जब पेज रिटर्न हो जाती है और एंडोर्स करती है कबुकी वॉरियर्स ऊपर। अब वो भी कबुकी वॉरियर्स इन रिटर्न आस्का इसको मिस्ट कर देती है, मिस्ट डाल देती है इनके ऊपर, और ये क्लियर कर देती है कि अब इन्होंने साथ छोड़ दिया है पेज। उसी समय आती है द मैन बेकी लिंच हेल्प करने के लिए पेज की, और दोनों को पिन डाउन देती है। और उसके बाद हमको मिलता है हमारा काई सेन वर्सेस बेकी लिंच का एडवर्टाइज मैच, जो कि बहुत बढ़िया मैच था और वन ऑफ द बेस्ट फीमेल मैचेस इन लॉन्ग टाइम इन रॉ की बात कर रहा हूँ, मतलब टीवी मैच था और बहुत बढ़िया मैच था जिसको बेकी लिंच जीत जाती है। और सेटअप एक ऐसा होता है कि सेटअप करती है आस्का से एक नया फ्यूड जो कि शायद टाइटल के लिए होगा। इसके बाद हमें मिलता है आर्ट्रूथ वर्सेस बड़ी मर्फी, जो कि मैच कुछ भी नहीं था, सिर्फ 24/7 टाइटल वाले घूमते रहे रिंग के आर पार। और उसके बाद आर्ट्रूथ कंफ्यूज हो गए और आर्ट्रूथ ने हार गए बड़ी मर्फी से। बड़ी मर्फी इम्प्रेस करते जा रहे हैं, और स्पीकिंग ऑफ इम्प्रेस, इन्होंने लास्ट वीक इम्प्रेस करा था, इनका नाम है स्ट्रीट प्रॉफिट, और इन्होंने बस प्रोमो दिया कि वी वॉन्ट्स। फिर हमको मिलता है हमारा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रिकोशे का मैच, और दोनों कॉर्नर्स में दोनों टीम के कोचेस हैं, और ये मैच बहुत जबरदस्त पेस ऑफ करता है, बहुत जबरदस्त चलता है, बट ये मैच इंटरप्ट हो जाता है फ्रॉम एन आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, जो कि रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं, और बाद में रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर स्टैंड कर देते हैं इस मैच में, वो स्टैंड आउट रहते हैं इस वाले मैच में, और बस ये वाला मैच कंप्लीट ही नहीं हो पाया, पर बहुत जबरदस्त था, 2 बैट ब्रेक तक चला बढ़िया था। फिर उसके बाद मैच सेटअप होता है बिटवीन एज स्टाइल और हम्बल टेकर लियो, लाइक लास्ट वीक सेथ रॉलिंस से जब सेटअप हुआ था। और इसके बाद वाइकिंग रेडर्स बीट कर देते हैं बेसबॉल फैंस को। और इसके बाद हमको मिलता है आंद्रे सैन मैच वर्सेस सिनकारा, जो कि आंद्रे सैन मैच जीत जाते विद द रोल ऑफ बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या नाम था उसका, सेरोनीना पता नहीं क्या नाम था, जो लेटेस्ट एनएक्सटी साइनी है वो डेब्यू कर देती है रॉ में एज ए सिनकारा पार्टनर। और उसके बाद हमको मिलता है शार्लेट फ्लेयर्स ने और नतालिया वर्सेस आइकॉनिक्स का मैच, जो कि मैच बहुत 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 छोटा था, और वो मैच शार्लेट और नतालिया जीत जाती है, जो कि मेरे को समझ नहीं आता, और ये डाउन पॉइंट था वाले इस रॉ का, जो अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा था, कि वाई आप एक एस्टेब्लिश टीम को एक रैंडम टीम से हरवा रहे हो WWE। और उसके बाद मिलता है हमको सेथ रॉलिंस वर्सेस एरिक रोवन एंड फॉल्स कॉन एनीवेयर मैच, जो कि सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं, या वेट फ्रॉक लिफ्टर जीतता है, या फ्रॉक लिफ्टर का ड्राइवर जीतता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने नहीं हराया, सेथ रॉलिंस ने उनको ऊपर फ्रॉक लिफ्टर रख दिया और जीत गए मैच, जो कि बिल्कुल ही वाई आर चीज थी। मतलब आप कैसे जीत सकते हो ऐसे, आप वो थोड़ा सा स्टोन कोल्ड समझ रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर हो, पब्लिक एंजॉय करेगी जो भी करोगे, दिस इज रैंड WWE, दिस इज रैंड WWE, दिस इज बैड, आई एब्सोल्युटली हेट दिस मैच। ऐसे आप अपने बेबी फेस को नहीं बना रहे, आप ऐसे अपने आप एक नया बैरन को बना रहे। फिर उसके बाद मिलता है हमको एलिस्टर ब्लैक का प्रोमो, जिसमें वो कहते हैं कि हु वॉन्ट्स टू पिक का फाइट। इसके बाद मिलता है हमको हम्बर्टो कैरिलो वर्सेस एज स्टाइल, जो कि एज स्टाइल आराम से जीत जाते हैं, और ये मैच भी अच्छा था, हम्बर्टो कैरिलो इम्प्रेस कर रहे हैं, पर आफ्टर द मैच उन्हें बीट डाउन मिलता है एज स्टाइल से, और जैसे लुकिया लोस का एंटर था मैजिक क्लियर करने वाले, उस समय स्ट्रीट प्रॉफिट सेव कर देते हैं हम्बर्टो कैरिलो, ये सेगमेंट भी और मैच भी अच्छा था। और इसके बाद हमको मिलता है हमारा मेन इवेंट, जो कि था किंग्स फोर्ड रूसेफ और लाना का, जो कि बिल्कुल बेकार, बस एक ही मोमेंट था जिसमें लाना कहती है, तो बस एक ही एक मोमेंट था, उसके अलावा कोई सा भी मोमेंट नहीं था, बस उन्होंने लाना बोला कि रूसेफ चीट कर रहा है उनको, और एंड में रूसेफ को 2 बार लो पड़े और रूसेफ ले डाउन हो गए, और एंडिंग सीन्स आर जस्ट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, इज नॉट द वेरी बेस्ट दैट वी एक्सपेक्ट, बट दिस इज नॉट गुड। तो बस इस एपिसोड में इधर ही खत्म होता है, ये एपिसोड इतना ही था। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो ये वाला एपिसोड
बढ़िया था, सब कुछ कंसीडर करो, रिकोशे का मैच, आंद्रेस का छोटा मैच और ओपनिंग सेगमेंट, सेथ रॉलिंस का भी ठीक था मैच, मतलब एंडिंग बेकार थी, सब कुछ मुझे बढ़िया 4 out of 5 और ये देखने लायक एपिसोड है, और क्राउन जुवेल को भी थोड़ा और बिल्डअप हो गया, और बस उस एपिसोड में इतना था।